बिना खाए कैमन लागलो? भालो लागलो? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और यह सुबह का समय है, हमारा पूजा पाठ हो गया है, आप देख सक रहे हैं। और पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो गर्मी लग रही थी तो पंखा चला ली, और अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। अभी घर में कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ, सब अपना अपना काम में चला गया है, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और ये ना नाश्ता करने के बाद खाना वाना बना के मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी, तभी कर रही थी तभी ना बारिश शुरू हो गई, मतलब ज़ोर ज़ोर से हवा आने लगा। तो मैं छत पर गई और तो वहाँ देखी कि बैंगन फले हुए हैं, तो वहाँ दो बैंगन थे, छोटे छोटे बैंगन फलते हैं, उसको तोड़ ली। और करेला देखी, करेला का गाछ है मेरे छत पर, तो ना चार पांच करेला तोड़ी थी और दो लटके हुए थे, तो उसको मैं अच्छी तरह रस्सी में लपेट दी। और सोची कि पौधों में थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि बारिश आती है पर ना उतना पूरी तरह से नहीं होती है। तो डालते डालते देखिए यहाँ बारिश शुरू हो गई है, यहाँ ना शाम हो चुकी है। और मैं सबके लिए कुछ नाश्ता बना रही हूँ, तो उसके लिए ना चार रोटी बचे हुए थे सुबह का नाश्ता में जो बनाई थी ना, वो बचे हुए थे, तो उसको दो टुकड़ों में काट कर रख ली हूँ। और इधर एक कटोरे में मैं बेसन निकाल ले रही हूँ, और बेसन में स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालकर और थोड़ा थोड़ा पानी देकर स्मूथ सा पेस्ट बना ले रही हूँ। देखिए एक बार पानी नहीं डाला, एक बार पानी डालेंगे ना तो गुठली हो जाएगा बेसन में, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा डालते जा रही हूँ और मिलाते जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा घोल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब ना एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, और जब तेल हम उसमें तेल डाल दी, तेल गर्म हो गया ना, तो उसमें थोड़ा सा मूँगफली डाल दी हूँ और उसको ना सुनहरा होने तक भून लूँगी। और मतलब सुनहरा होने तक मतलब कि कच्चापन उसका जाने तक भून ले रही हूँ, इसमें सुनहरा तो पता चलता नहीं क्योंकि ऐसे ही लाल होता है, तो इस वजह से। तो देखिए मूँगफली हमारा भून चुका है, और भूनने के बाद ना उसका कलर ही चेंज हो जाता है। और ये बचे हुए तेल में ना मैं गोटा जीरा डाल दी हूँ, और जीरा को डालकर तड़कने दी। तो जीरा जब हमारा तड़क गया तब इसमें मैं डाल दे रही हूँ काट कर, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर टमाटर। तो यहाँ ना टमाटर मैं काट के पहले से नहीं रखी थी, तो मैं संग संग में काट कर डाल दी हूँ, छोटा टमाटर डाली हूँ बड़ा नहीं। और अब नमक डाल दे रही हूँ, नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ, इससे ना टमाटर हमारा गल जाएगा। और ये ना मैं तीन चार हरी मिर्च काट कर रखी थी, उसको भी मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और थोड़ा सा पाउडर मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर देकर और अच्छी तरह से मिलाते हुए चला ले रही हूँ। तो देखिए मसाला हमारा भून चुका है। और ये ना उबले हुए आलू थे, दोपहर को बनाई थी ना खाना, तो आलू ज़्यादा उबल गया था तो रख दी थी, तो उसी को डालकर मैं भून ले रही हूँ, और मूंगफली भी इसमें डाल दी। और ये देखिए चोखा बनाई थी, तो चोखा खाना खाने के बाद बच गया, तो उसको भी डाल दे रही हूँ और डालकर अच्छी तरह से मिलाते हुए भून ले रही हूँ। और ये ना अचार का मसाला डाल दी हूँ, और डालकर हमारा जो चोखा है वो तैयार हो चुका है, समोसा का फिलिंग। तो इसको मैं निकाल ले रही हूँ मैं रोटी का समोसा बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ना लाइट चला गया था, तो उस वजह से मैं शुरू से वीडियो नहीं दिखा पाई, और फिर थोड़ा ही देर के बाद आ गया है। तो इस तरह से जो टुकड़े काट के रखे थे ना रोटी के, तो उसको इस तरह से बेसन के घोल से मैं चिपका दे रही हूँ दोनों साइड में लगाकर, और उसके बाद अंदर जो बनाई हूँ समोसा का चोखा उसको भर दे रही हूँ। और भर करना अच्छी तरह से, और ये देखिए दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पर तो इसका मुंह बंद नहीं हो रहा ना, तो
मैदा रहने से क्या होता है, उसका मुंह बंद हो जाता है, और इसमें तो उसका मुंह बंद नहीं हो रहा, तो इस वजह से जब हम तेल में डालेंगे तो पूरा चोखा तेल में बह जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बेसन लगा दे रही हूँ ताकि तेल में चोखा बहे नहीं और वो एक जगह ही रहे। तो इस तरह से बेसन में लपेटते हुए समोसे का शेप देकर और उसमें चोखा भर दे रही हूँ। देखिए इस तरह से भर कर इसको मैं इसका सामने पोर्शन जहाँ हम चोखा भर रहे हैं वहाँ पर बेसन लगा दे रही हूँ, और जहाँ ज्वाइन कर रही हूँ ना वहाँ भी बेसन लगा के इस तरह से छान ले रही हूँ। तो लगाते जा रही हूँ और कढ़ाई में डालते जा रही हूँ। मैं अभी नहीं दिखा पा रही, ये देखिए कढ़ाई में हमारा डला हुआ है। और इस तरह से ना मैं अलट पलट कर इसको अच्छा सुनहरा होने तक तल ले रही हूँ। चोखा थोड़ा सा बच गया और बैटर भी बच गया, तो मैं सोची इसका आलू चॉप बना ले रही हूँ। तो मैं उसको आलू को गोल गोल करके और बैटर में डाल दी हूँ, और इधर समोसा को उलट पलट करके अच्छी तरह से मैं तल ले रही हूँ। तो देखिए समोसा हमारा बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैं आलू चॉप बना ले रही हूँ। तो बेसन ऐसे ही बर्बाद करने से अच्छा चोखा भी बचा हुआ था, तो उसमें लपेट कर आलू चॉप जैसा बना ली। यहाँ पर ना मैं बॉयल आलू था तो उसको यूज़ करके बनाई हूँ। अगर आपके पास सब्जी बना हुआ बच गया हो ना तो आप उसको भी इसमें भर के बना सकते हैं, जिससे क्या होगा रोटी भी आपका फिनिश और सब्जी भी फिनिश और बच्चे बड़े सभी खुश। तो यहाँ बन चुका है और इसे ना मैं थोड़ा सा गार्निशिंग कर ले रही हूँ। बनकर तैयार है रोटी से समोसा, तो इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करिए। अगर रोटी बच जाता है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और इसे ट्राई करिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगा, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए वो करके ना प्लेट लगा दी और ऋत्विक को बोली जाओ पापा को दे आओ, तो ये आसन करके बिना खाए खा रहे हैं। और यहाँ ना सासू माँ आए हुए थे तो उनको भी दे दी नाश्ता, तो सब मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा रेसिपी बताइए, कैमन लागलो, भालो लागलो, एक नंबर पास कर लो मामी, दारुण। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ और फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।